हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और आप सबके लिए फिर से मैं एक सक्सेस स्टोरी लेकर आया हूँ। मेरे साथ है राजीव। राजीव बेसिकली कोलकाता से हैं और इनका सिलेक्शन वेदांता में हुआ है, सीएमए कैंपस में, और फर्स्ट जॉब है। और आई थिंक मोर देन 11 LPA का ऑफर इनको सीएमए कैंपस में मिला है। तो सुनते हैं राजीव की स्टोरी। हाय राजीव, हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे फील हो रही है? हाँ भैया, बहुत बढ़िया फील हो रहा है। जब ऑफर लेटर आया कि यू आर सिलेक्टेड इन द वेदांता विद द पैकेज ऑफ 11.45, तब तो बहुत बढ़िया लग रहा था एकदम। जैसे इतना हार्ड वर्क किए थे उसका रिजल्ट मिल गया। मुझे भी बहुत अच्छी खुशी हुई कि आपका सिलेक्शन हुआ कैंपस में। एज ए टीचर हम यही चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास है उनका अच्छा सिलेक्शन हो, अच्छी कंपनी में हो और अच्छी जगह जाए। तो जब आपको वेदांता से ऑफर मिला, वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? बिकॉज आई नो कि आपको फाइनेंशियली चैलेंजेस थे, और जब वो ऑफर आपको उस अमाउंट का मिल रहा था तो एक फील आ रहा था आपको अंदर से? हाँ, एकदम। क्योंकि उस टाइम मेरा आईटीसी टोबाको का भी इंटरव्यू था, तो आईटीसी टोबाको का लाइन में खड़े थे हम। उसके पीछे से आके मेरे को बोल दिया कि यू आर सिलेक्टेड इन द वेदांता, मतलब दिल एकदम खुश हो गया कि और इंटरव्यू नहीं देना है। तो मजा आ गया था उस टाइम एकदम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो जब अपने पेरेंट्स को बताया, उन्हें कैसी फील हो रही थी आपके लिए? कैसा फील कर रहे थे? हाँ, वो तो एकदम पहला कॉल मेरा मम्मी को किए, मम्मी तो एकदम रो दिए, मतलब के वेदांता में हुआ है। और पहला इंटरव्यू में ही मैंने क्रैक कर लिया था, दूसरा इंटरव्यू देने का दरकार नहीं पड़ा, तो मम्मी पापा बहुत खुश थे। ग्रेट। अच्छा, आपको मेरी मेंटरशिप कैसी लगी ड्यूरिंग योर कैंपस प्रिपरेशन? जो भी ड्यूरेशन हमने साथ में काम किया, आपको मेरे नोट्स बुक्स कैसे लगे? वो तो बहुत बढ़िया थे, खास करके जो जीडी था, तो जीडी के अंदर मेरा बहुत दिक्कत हो रहा था पहले, तो जीडी करते करते एकदम इंग्लिश जो आसान हो गया था, तो इसी के लिए आपका क्लास लिए थे, बहुत हेल्प किया वो वाला क्लास। और खास करके आपका नोट्स जो था वो एकदम क्रक्स था, वो पढ़ने में आसान हुआ, तो इसी के कारण मेरा वेदांता में हो गया, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ये रिलेटेड था आपका। अच्छा, आपका कैंपस सिलेक्शन हुआ, घर पे भी सब खुश हैं? अभी आप भी बहुत अच्छा फील कर रहे हो, जल्दी से आपकी ज्वाइनिंग भी होने वाली है। तो जब आपने सीएमए ज्वाइन किया था, उस समय भी आपके माइंड में कुछ ना कुछ थॉट्स रहा होगा जब आप सीएमए कोर्स में एनरोल करने गए होंगे, और आज आपके पास इतने सारे अचीवमेंट्स है, तो कैसा फील हो रहा है उस जर्नी के बारे में? 2019 में मैंने एडमिशन लिया था, तो अगस्त 2019 में, और मेरा पहला अटेम्प्ट था इंटर का फर्स्ट अटेम्प्ट आपका दिसंबर में था, तो आई क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ग्रुप 1। तो आफ्टर दैट कोविड आ गया था, तो उसके कारण मेरा थोड़ा डिले हो गया, तो उसके बाद जाके और एक ग्रुप क्लियर किए। उसके बाद तो मन था कि दोनों ग्रुप एक साथ देंगे, ऑल इंडिया रैंक लाना है, तो दोनों ग्रुप का प्रिपरेशन भी किए थे, लेकिन घर में थोड़ा दिक्कत हो गया, इसीलिए हम ऑल इंडिया रैंक के लिए सोचना बंद कर दिए कि एक एक ग्रुप करके निकालो, लेकिन बढ़िया तरीके से निकालो। तो इसी कारण मेरा इंडिया में पूरा CFR में हाईएस्ट भी आया है 92, तो इसके लिए गोल्ड मेडल भी मिला है, तो अच्छा ग्रेट लग रहा है ग्रेट, अभी। अच्छा लग रहा है। अच्छा, सीएमए जर्नी आपका, आपने सारे एग्जाम्स फर्स्ट टाइम में आपने क्रैक किया, राइट? तो आखिर क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी जो आपने फॉलो किया था ड्यूरिंग द सीएमए कोर्स कैरिकुलम, और जिसके हेल्प से आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने सारे एग्जाम्स को आपने क्रैक किया? तो बेसिकली मैं स्कैनर करता था, तो सबसे पहले स्कैनर करके हम मेरे को हो जाता था कि कैसा वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो उस हिसाब से मैं प्रिपेयर करता था। देखिए, पूरा पढ़ेंगे तो कभी नहीं होगा, 100% हम पढ़ेंगे तो कभी नहीं होगा। जिधर से क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले उसको खत्म करना है। एक रूल है 30-70, तो 30% जगह से 70% क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले ये दिमाग में घुसाना है, पहले उसको खत्म कीजिए, उसके बाद दूसरा वाला जो टॉपिक है वो खत्म कर लेंगे, ऐसे करके हो जाता है। ग्रेट ग्रेट। आपने ये रूल को आपने फॉलो किया, आपने इंटर में भी फाइनल में भी। अच्छा, एक और यस भी यस इन बोथ द पॉइंट केसेस। पॉइंट रहता है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टक करते हैं, तो आपका क्या अप्रोच था थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए? थ्योरिटिकल बेसिकली आता है, लॉ पेपर आता है, तो लॉ के अंदर इंटर में तो उतना डिटेल्स में नहीं पूछता है, पूरा एकदम मार्कअप करके जाना पड़ता है। जैसे कि आपका डायरेक्टर का सब क्वेश्चन एकदम रटा हुआ रहना चाहिए, एक एक सेक्शन का वो लोग पूछते हैं इंटर में, लेकिन फाइनल में जाके बहुत गहरा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर केस स्टडी रहता है। तो केस स्टडी के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि आप लोगों को लिखना है खुद के दम पे, ऐसा आप रट के नहीं जा सकते, तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस किया था। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्या है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद जाके वो धीरे धीरे करके लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपका डायरेक्टर का पोर्शन हो गया, यानी कि सब कुछ में आपका ये फाइनल में पूरा थियोरिटिकल में आपका केस स्टडी आता है लॉ में।
तो आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके हेल्पफुल होगा। ग्रेट। सो अच्छा, आपने इंटर्नशिप फॉर्म से की थी या कंपनी से की थी ड्यूरिंग इन? मेरा 6 महीना था एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फार्म से, और 1 साल था एक पीएसयू से, हिंदुस्तान स्टील और कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ओके ग्रेट। सो आपने दो जगह से आपने काम किया, तो आपका क्या पर्सनली एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करोगे इंटर्नशिप के लिए, कि फॉर्म में जाना चाहिए या कंपनी में, या फिर दोनों में थोड़े थोड़े टाइम उनको देना चाहिए अपने सीएमए जर्नी से पहले? तो देखिए, सबसे पहले जो पीएसयू में हम गए थे, पीएसयू सबको सिलेक्ट किया था कि जो लोग आपका एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से, कोई भी पीएसयू एकदम फ्रेशर को नहीं लेता, कुछ ना कुछ उसको आना चाहिए, जैसे कि जीएसटी का काम, टीडीएस का काम आना चाहिए। तो इसीलिए मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि पीएसयू नहीं मिल रहा है या कंपनी नहीं मिल रहा है, छोड़ दो, फार्म में चले जाओ, 2 3 महीना 4 महीना काम करो, आपको सीख हो जाएगा, उसके बाद जाके आप कंपनी या पीएसयू में ट्राई करो, आराम से हो जाएगा। और ओके ऐसा नहीं कि पीएसयू में ही काम करना चाहिए, ऐसा नहीं कि पीएसयू में ही आप काम करो या फार्म में काम करो, आप जिधर भी काम करो आपको सीखना चाहिए, सबसे पहले जिधर भी काम करो आपको सीखो, उसके बाद वो कैंपस में बहुत हेल्प करता। राइट राइट राइट। सो आपके इंटर्नशिप के बारे में आपने बताया, आपने अपने स्ट्रेटेजी के बारे में बताया कि किस तरीके से आप फॉलो करते थे, आपने अपने कैंपस जर्नी के बारे में बताई। सो और भी ऐसा कुछ पॉइंट है जो आपको लगता है स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए जब वो सीएमए कोर्स को कर रहे होते, जिससे वो फोकस्ड होकर अपने एग्जाम्स को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं? सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी बहुत काम आता है, ये मेरा बीच में टूट गया था कि मेरे को लग रहा था, जब मैं सोच रहा था कि ऑल इंडिया रैंक मेरे को लाना है किसी भी दम में, क्योंकि मेरे को एक अच्छा पैकेज चाहिए, इसीलिए हम दिन रात पढ़ते थे। तो जब मेरे को लगा कि ऑल इंडिया रैंक नहीं आएगा, तब मेरे को बहुत दुख हुआ कि कौन सा कंपनी शॉर्टलिस्ट करेगा, तो उसी कारण मेरा कंसिस्टेंसी थोड़ा ब्रेक हुआ था। तो कंसिस्टेंसी तो आपको रहना चाहिए, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल हूँ, कंसिस्टेंसी ब्रेक हुआ उसके बाद भी कंसिस्टेंट रहा, उसके बाद ऐसा रिजल्ट मिला है। तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है, आपका हार्डवर्क तो मैटर तो करता है, लेकिन आपको हार्डवर्क पुट करना चाहिए स्मार्ट तरीके से, ऐसा नहीं कि आप पूरा पढ़ते रहो, रट्टू बनो, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा इन स्मार्ट। सो दिस इज हाउ यू कैन सक्सीड। राइट राइट। अच्छा, आपको मेरे मेंटरशिप कोर्स के बारे में आपको कैसे मालूम चला था कि मैं मेंटरशिप कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ कैंपस के लिए? YouTube में देखता था बहुत सारा रैंकर्स का वीडियो, गेल में सिलेक्ट हुआ, मेरे को भी लगता था कि गेल में 19 लाख का पैकेज मिल रहा है, इतना बढ़िया आपका इंडियन ऑयल में मिल रहा है, तो मेरे को क्यों नहीं होगा, तो भैया के क्लास ले, तो ऐसा क्या है देखेंगे। उसके बाद देखा सच में बहुत बढ़िया सब मिल रहा है, तो अच्छा लगा आपका कोर्स लेके। अच्छा, आपने ये देखा आपने ड्यूरिंग द अपने ग्रुप में, आप देख सकते हो आई थिंक जितना सिलेक्शन अपने ग्रुप में हुआ होगा, आई थिंक कहीं और इतना सिलेक्शन नहीं हुआ है, राइट? नहीं, ये पूरा राइट है एकदम। सो अभी मोर देन 70+ स्टूडेंट, और गेल इंडिया में फिर से सिलेक्शन हुआ है अपने ग्रुप में, एक स्टूडेंट का तो हाँ हुआ इस ही है साल गेल भी हुआ इंडिया, है। हाँ राइट? तो लेकिन मतलब कोलकाता मुझे, में पीएसयू नहीं आया यही। हाँ कोलकाता में पीएसयू नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो नसीब में जो लिखा होता है वही मिलता है, हाँ, बट हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश हमारे हाथ में है। यस तो जितने बच्चे भी जिन्होंने अच्छे से एफर्ट्स किया, कोशिश किया, उनके उनके हाथ में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ही मिली है, और फ्यूचर इनफाइनाइट है। अगेन, हो सकता है कल आप गेल इंडिया में हो, ये कोई नहीं कह सकता कि आप कल गेल इंडिया में आप नहीं हो सकते हो, हाँ क्योंकि वैकेंसी जाते रहती है ऑफ कैंपस में, आप ट्राई कर सकते हो, चीज़ें अभी बहुत दूर है। ज़िंदगी की जर्नी एक दिन की नहीं है, बहुत लंबी है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे इसको आगे लेके जाना चाहते हो। सो हाँ जरूर, अभी तो शुरुआत हुआ है, बस या अभी शुरुआत हुआ फर्स्ट है, गियर में गया है। या राइट। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि लाइफ में आप आगे बढ़ते रहो, टच में रहो, कभी भी कुछ ऐसा लगता है, डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो आप डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड होप सो कि एकदम एकदम भाई, आपकी जर्नी मेरे साथ भी अच्छी थी और सीएमए के साथ भी अच्छी थी। आप डेफिनेटली बच्चों को सजेस्ट करना चाहोगे सीएमए कोर्स करने के लिए? हाँ सीएमए कोर्स तो हम पढ़ाते भी है अभी, तो सीएमए अच्छा का डायरेक्ट टैक्सेशन इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी पढ़ाता है पेपर नंबर से भी, तो ओके अच्छा लगता है जब पढ़ाते हैं, उनको बोलते हैं कि कैंपस में मेरा ऐसे हुआ था, तुम भी ऐसे पढ़ो, तब लगता है कि हाँ जिंदगी में कुछ किए हैं अभी तक। नहीं, डेफिनेटली लगेगा ये। एक्चुअली क्या है ना, बहुत मैं बस एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि आप ट्राई करो, जितना आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव भी किया है, तो अपने प्रोफेशन के बारे में आप जितना बताओगे लोग उतना जानेंगे, और आपको देख के लोग और बच्चे सीएमए कोर्स ज्वाइन करेंगे। मैं आपको बताऊँ, आज के टाइम में कम से कम 100-150 बच्चे तो होंगे जिन्होंने मुझे देख के सीएमए कोर्स को ज्वाइन किया होगा।
तो वो हाँ आपको एक मोटिवेशन आइडिया मिलता बनना है ना। है, या आपको मोटिवेशन बनना है उन बच्चों के लिए जो CMA कोर्स करना चाहते थे। आई थिंक बिहार में अभी मुझे रोज 12th पास आउट बच्चों का मैसेज आ जाता है, एक दो का, कि सर मैं CMA कोर्स करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो। तो दैट्स इट, मैं भी आपको ये कहूँगा कि आप भी ये सारी चीज़ें करो, कि हमें अपना प्रोफेशन का भी नाम रोशन करना है, अपना भी करना है, अपने फैमिली का करना है। हाँ वो तो सही है एकदम। ओके, एनी अदर टिप्स सजेशंस फॉर अपकमिंग एग्जाम्स और स्टूडेंट्स के लिए? तो अभी तो 11 तारीख एग्जाम आने वाला है मेरा सब स्टूडेंट का, तो उसको राइट हम बोले कि आराम से पढ़ो। DTIIT पढ़ाते हैं, मेरा सबसे फेवरेट है, लेकिन CFR में आ गया मेरा 92 मेहनत किए थे तो आ गए। और Group 4 में भी हाईस्ट आया 312, तो 2 गोल्ड मेडल मिले हैं मेरे को कॉन्वोकेशन में। तो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बोले कि DTIIT आराम से पढ़ो, ऐसा टफ भी नहीं है, CMA हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना प्रेशर लोगे तब दिक्कत हो जाएगी, या प्रेशर नहीं लेना है, डेफिनेटली। आराम से करना है, तब हो जाता है धीरे धीरे कर। ओके, थैंक्स, आपने अपनी जर्नी शेयर की, और होप्स हो कि आपकी फैमिली आपसे बहुत खुश होगी आज के डेट में, और आप और भी चीज़ें आगे आप करते रहो। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया।